तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में आईपीएल 2023 का 7th मैच यानी कि जीटी वर्सेस डीसी का प्लेइंग 11 कंपैरिजन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये दोनों में से कौन सी टीम ज्यादा मजबूत रहने वाला है आईपीएल का 2023 में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले डीसी का ओपनर्स की बात करें तो वहां पर रहने वाले हैं डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ। इसके बाद अगर हम जीटी के ओपनर्स की बात करें तो वहां पर रहने वाले हैं विद्यमान शाह और शुभमन गिल। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोनों के पास ये बहुत ही बेहतरीन ओपनर रहने वाला है आईपीएल का 2023 में। तो यहां पे अगर हम डेविड वार्नर का कंपेयर करें विद्यमान शाह से तो डेफिनेटली मुझे लगता नहीं कि आप सभी को कुछ बताने का जरूरत होगा क्योंकि यहां से मेरा पिक रहने वाला है डेविड वार्नर। और उसके बाद अगर आप सभी को रिकॉर्ड देखना है तो देख सकते हैं डेफिनेटली वहां पर भी डेविड वार्नर ज्यादा बेटर रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम पृथ्वी शॉ का कंपेयर करेंगे यहां पे शुभमन गिल से तो यहां पर बहुत ही बेहतरीन कंपैरिजन रहने वाला है क्योंकि यहां पे सकते हैं पृथ्वी शॉ का एवरेज कम है तो उसका स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतरीन है। तो वहीं पे शुभमन गिल का थोड़ा सा स्ट्राइक डाउन है तो वहां पे उसका एवरेज बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। उसके बाद यहां पे शुभमन गिल का प्रेजेंट फॉर्म भी देखें तो वहां पर भी शुभमन गिल कमाल का फॉर्म में चल रहे हैं। तो यहां पे शुभमन गिल का फॉर्म बहुत ही बेहतरीन चल रहा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहां पे शुभमन गिल की तरफ थोड़ा प्रायोरिटी जा रहा है ज्यादा, इसीलिए यहां से डेफिनेटली मेरा पिक रहने वाला है शुभमन गिल। इसके बाद अगर हम मिचेल मार्श का कंपेयर करें यहां पे केन विलियमसन से तो डेफिनेटली पिछला सीजन केन विलियमसन का बहुत ही खराब गया था मगर यहां पे मिचेल मार्श का भी कुछ खास नहीं गया था। उसके बाद अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो वहां पे केन विलियमसन का बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है यहां पे T20 और यहां पे IPL में, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहां से मेरा पिक रहने वाला है केन विलियमसन और यहां से आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला मेरा पिक से। इसके बाद अगर हम 4 नंबर पे मनीष पांडे का कंपेयर करेंगे यहां पे हार्दिक पांड्या से तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि यहां पर भी कोई कंपैरिजन रहने वाला है क्योंकि डेफिनेटली यहां से मेरा पिक रहने वाला है हार्दिक पांड्या। यहां पे आप साफ-साफ रिकॉर्ड देख सकते हैं, भले ही दोनों का लगभग सेम एवरेज है मगर यहां पे स्ट्राइक रेट का यहां पे जमीन और आसमान का अंतर रहने वाला है दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली यहां से मेरा पिक रहने वाला है हार्दिक पांड्या। इसके बाद अगर हम 5वें नंबर पे सरफराज खान का कंपेयर करेंगे यहां पे डेविड मिलर से तो डेफिनेटली यहां पे सरफराज खान अच्छा खासा फॉर्म में चल रहे हैं वहां पे टेस्ट क्रिकेट में और यहां पे T20 में उसका कुछ खास नहीं रहा है अभी तक और वहीं पे डेविड मिलर यहां पे T20 का स्पेशलिस्ट माने जाते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहां से कोई कंपैरिजन नहीं होने वाला है और यहां से मेरा पिक रहने वाला है डेविड मिलर। आप सभी रिकॉर्ड भी देख सकते हैं यहां पे डेविड मिलर का रिकॉर्ड भी ज्यादा बेहतर है। इसके बाद अगर हम रोमन पोवेल का कंपेयर करेंगे यहां पे राहुल तिवटिया से तो डेफिनेटली यहां पर भी कोई कंपैरिजन नहीं बनने वाला क्योंकि आप यहां पे साफ-साफ रिकॉर्ड देख सकते हैं रोमन पोवेल का बहुत ही बेहतरीन यहां पे T20 रिकॉर्ड है और वहीं पे राहुल तिवटिया यहां पे एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं तो डेफिनेटली यहां से मेरा पिक रहने वाला है रोमन पोवेल। इसके बाद अगर हम अक्षर पटेल का कंपेयर करेंगे राशिद खान से तो डेफिनेटली यहां पर बैटिंग का कंपैरिजन हो रहा है इसीलिए यहां से मेरा पिक रहने वाला है अक्षर पटेल। यहां पे आप देख सकते हैं ओपनर में दोनों टीमों का एक-एक पॉइंट मिलता है तो वहां पर इक्वल रहने वाला है मगर यहां पे मिडिल ऑर्डर में यहां पे गुजरात टाइटन को मिलता है 3 पॉइंट और डीसी को मिलता है 2 पॉइंट। तो यहां पे आप साफ-साफ देख सकते हैं मिडिल ऑर्डर में यहां पे गुजरात टाइटन की टीम थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है यहां पे डीसी के मुकाबले में और उसका बड़ा कारण यहां पे डीसी का कैप्टन ऋषभ पंत का ना होना। इसके बाद अगर हम दोनों टीमों का स्पिनर्स की बात करें तो यहां पे डीसी की तरफ से रहने वाले हैं कुलदीप यादव और अक्षर पटेल और वहीं पर अगर गुजरात टाइटन की बात करें तो वहां पर रहने वाले हैं राशिद खान और रवि साई किशोर। तो यहां पे अगर हम अक्षर पटेल का कंपेयर करेंगे राशिद खान से तो डेफिनेटली यहां पे आप साफ-साफ देख सकते हैं अक्षर पटेल का अच्छा खासा फॉर्म चल रहा है मगर यहां पे राशिद खान कमाल के बॉलर रह चुके हैं अभी तक का T20 क्रिकेट में, इसलिए यहां से डेफिनेटली मेरा पिक रहने वाला है राशिद खान। इसके बाद अगर हम कुलदीप यादव का कंपैरिजन करेंगे रवि साई किशोर से तो डेफिनेटली यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं बनता, यहां पे मेरा पिक रहने वाला है कुलदीप यादव। इसके बाद अगर हम दोनों टीमों का पेसर्स की बात करें तो दिल्ली की तरफ से रहने वाले हैं एंड्रिक नोकिया, खलील अहमद, चेतन साकरिया और रोमन पोवेल, वहीं पे जीटी की तरफ से रहने वाला है जोशुआ लिटिल, मोहम्मद शमी, शिवम मावी और हार्दिक पांड्या। तो यहां पे देख सकते हैं दोनों का पास अच्छा खासा पेसर्स है तो यहां पर भी 1x1 कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यहां पे अगर हम एंड्रिक नोकिया का कंपेयर करेंगे जोशुआ लिटिल से तो डेफिनेटली जोशुआ लिटिल अच्छा प्लेयर है, नो डाउट वो यंग प्लेयर है और वहीं पे अगर एंड्रिक नोकिया का बात करें तो वो कमाल का फॉर्म में चल रहे हैं, उसके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है यहां पे आईपीएल का, डेफिनेटली यहां से मेरा पिक रहने वाला है एंड्रिक नोकिया और यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मुझे लगता है आप सभी को भी। इसके बाद अगर हम खलील अहमद का कंपेयर करें यहां पे शिवम मावी से तो डेफिनेटली यहां पे शिवम मावी ने भी यहां पे इंडिया के लिए डेब्यू किया था भले और वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस भी करके दिया था और यहां पे अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो यहां पे खलील अहमद का कमाल का रिकॉर्ड है और पिछला साल देखें तो खलील अहमद का बहुत ही अच्छा गया था और यहां पे शिवम मावी का बहुत ही खराब पिछला साल गया था, तो डेफिनेटली यहां से मेरा पिक रहने वाला खलील अहमद। इसके बाद अगर हम चेतन साकरिया का कंपेयर करेंगे मोहम्मद शमी से तो डेफिनेटली चेतन साकरिया अच्छा प्लेयर है, नो डाउट वो भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करके दे रहे हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं तो, मगर यहां पे अगर मोहम्मद शमी की बात करें तो वो भी अभी कमाल का फॉर्म में चल रहे हैं, वो शुरुआती में भी विकेट लेके देते हैं और लास्ट में भी बॉलिंग करते हैं, तो डेफिनेटली यहां पर रिकॉर्ड भी देख सकते हैं मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड भी ज्यादा बेहतर है तो इसीलिए यहां से मेरा पिक रहने वाला है मोहम्मद शमी। इसके बाद अगर हम रोमन पोवेल का कंपैरिजन करेंगे हार्दिक पांड्या से तो डेफिनेटली यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं बनता, मेरा पिक यहां से डेफिनेटली रहने वाला है हार्दिक पांड्या। इसके बाद
अगर हम यहाँ पे ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो ओपनर्स में दोनों टीमों को तरफ से मिलने सेलेक्ट किया था एक एक प्लेयर। तो वहीं पे मिडिल ऑर्डर में हमने सेलेक्ट किया था जीटी की तरफ से 3 प्लेयर और डीसी की तरफ से 2 प्लेयर। तो यहाँ पे मिडिल ऑर्डर का विनर था यहाँ पे जीटी की टीम। इसके बाद स्पिनर्स में देखें तो दोनों टीमों को मिला था एक एक पॉइंट और यहाँ पे पेसर्स में देखें तो दोनों टीमों को मिलता है दो दो पॉइंट। तो डेफिनेटली यहाँ से अगर हम आज का विनर की बात करें तो वो रहने वाला है यहाँ पे जीटी की टीम, क्योंकि यहाँ पे जीटी का मिडिल ऑर्डर देखें तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे खास करके अगर डीसी का मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वहाँ पे 3, 4 और 5 में बहुत ही कमजोर प्लेयर रहने वाला है यहाँ पे दिल्ली के लिए।